नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ टिंडे की बहुत ही टेस्टी एक सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये टिंडे की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज के लाइक का गोल लगते हैं 500। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम टिंडे को ऐसे पील करने के बाद दो टुकड़ों में काट लिया है। टिंडे को अच्छे से मैंने वॉश करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही। दही को हल्का हम फेंट के डालेंगे और डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। डालेंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से टिंडे में मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे और 10 मिनट टिंडे को रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम रेसिपी शुरू करते हैं। 10 मिनट बाद हम एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम डालेंगे 1/2 कप तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए डालेंगे 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और 2 पिंच डालेंगे हींग। सभी चीज़ों को अच्छे से हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जब अच्छे से फ्राई हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ा करके। प्याज को हम गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके 1 मिनट हाई फ्लेम में प्याज और टमाटर को हमें फ्राई करना है। तो उससे पहले हम डालेंगे यहाँ पे नमक स्वादानुसार। तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 हरी मिर्च को चॉप करके। टमाटर डाले हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम मैरिनेट किए हुए टिंडे डाल देंगे। अब हम टिंडे को तब तक अच्छे से भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। तो मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच बीच में चलाते हुए हमें टिंडे को अच्छे से मसाले के साथ भूनना है। डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। 2 मिनट हो गया है टिंडा डाले हुए, 1 मिनट हम और भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। टिंडे को मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम में भून लिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से भून गया है मसाले, साइड से तेल अलग दिख रहे। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप पानी। एक बार मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 3 सीटी आने तक टिंडा को कुकर में पकाएंगे। कुकर को बंद करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 3 सीटी आने तक टिंडे को कुकर में पकाएंगे।
और 3 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद करके हम 5 मिनट टिंडे को कुकर में रहने देंगे। 5 मिनट बाद हम कुकर को खोल लेंगे। टिंडा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, देखिए। गैस का फ्लेम हम फिर से ऑन कर देंगे। डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस का फ्लेम हाई करके हम टिंडे को 1-1.5 मिनट और पकाएंगे। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ग्रेवी पसंद हो। तो मैं 1-1.5 मिनट हल्का ड्राई कर लूँगी। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैं हल्का इस तरीके से ग्रेवी रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो टिंडे हमारा तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये टिंडे की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज की रेसिपी अगर आप ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।